हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज की वीडियो आ गई है और बिल्कुल ही यूनिक आई है। आज की वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया है कि पुरानी शर्ट से कैसे आप कुशन कवर बना सकते हैं, तकिया कवर बना सकते हैं, और कुशन कैसे बनाते हैं या तकिया कैसे बनाते हैं वो मैंने दिखाया। तो आज की जो इस वीडियो में मैंने सिर्फ कुशन बनाया, तकिया नहीं बनाया, तकिया एक छोटा सा बनाया है। कुछ इसी तरीके से आप बड़े तकिए भी बना सकते हैं और कुशन भी बना सकते हैं। तो ये दोनों चीजों का एक एक चीज मैंने बनाया है। आगे मैं आपको पुराने कॉटन से उसको कैसे बनाएं, रीयूज कैसे करें, फिर से नया तकिया और नए कुशन बनाने में उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी। साथ में आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। आज की वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को और भी देखें, शेयर करें, जिससे कि और भी बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो जरूर इस चीज का ध्यान रखिए, कमेंट लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब अगले ब्लॉग में। और ब्लॉग नहीं आएगा अब, सिर्फ स्टिचिंग की वीडियो आएगी, तो आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक पुराना सा ऐसे क्लॉथ था, टेबल क्लॉथ, उसको बिछा लिया। और एक मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया था, जिसको आपको याद होगा कि मैंने पर्दे बनाए थे, तो वो अभी भी रखा हुआ था और वही कपड़ा है वो। और साथ में मैंने कुछ रुई मंगवाई है, कॉटन, जैसे सिंथेटिक कॉटन बोलते हैं इसको, रुई होता है ये। मैंने 500 ग्राम मंगवाई है अमेजोन से। तो चलिए ये आ चुकी है और इसे हम काटते हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी कि आपको पहले पुराने कॉटन से, मतलब रुई से आपको दिखाऊं तकिया कवर बनाना, लेकिन मैंने सोचा पहले न्यू दिखा देती हूँ। तो देखिए यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कुशन बनाने का। जो आप जाते हैं ना बाहर और बड़े महंगे महंगे कुशंस लेके आते हैं, तो आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए और इसके बाद आप लोग, मुझे लगता है कि ख़रीदने नहीं जाएंगे, फटाफट आप बना लेंगे। और ये वीडियो में बता रही हूँ कि ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हमारी बन गई थी। तो देखिए ये मैंने कॉटन है निकाल लिया, और ये बिल्कुल ही सिंथेटिक सा है। ये वो वाले रुई नहीं है जो कि सिमर रुई बोलते हैं या और भी रुई होते हैं, वो रुई नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसे उलझ जाता है, ये फैला फैला रहता है, और इसको अगर ढंग से आप भर के बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनता है। और इसी से कुशन या पिलोज ऐसी चीज़ें बनती हैं, या रजाइयाँ जो आप देखते हैं, राजस्थानी जो रजाई होती है, वो सारी चीज़ें इसी रुई से बनती है। तो देखिए इसको मैंने क्या किया कि हाथ से ही थोड़ा सा इसको खोल दिया है, जैसे कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इसको और भी किसी चीज़ से इसको खोल सकते हैं। और तो ये जो रुई है इसको अच्छे से खोलना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बढ़िया से इसको फैला लेंगे ना खूब एक एक परत, तो वो भरने में आसानी हो जाएगी। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो कॉटन को एकदम खोलने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो मैंने कपड़ा लिया हुआ है, ये लाइनिंग के लिए मैंने लिया हुआ था, और ये काफ़ी मजबूत कपड़ा है, कुछ सिंथेटिक में है, आप सिल्की समझ लीजिए कुछ इस टाइप का है, लेकिन ये लाइनिंग वगैरह के लिए अच्छा काम कर जाता है, ये खिसकता भी नहीं है, और साथ में ये काफ़ी पतला भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें कलफ वगैरह तो है नहीं, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक अपने घर का एक कोई कुशन ले रही हूँ और उसी से नाप बना लूँगी, क्योंकि इतने ही बड़े कुशन बनते हैं ये, तकरीबन 16x16 के होते हैं। तो आप चाहें तो मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ, आपको बता देती हूँ कि हमें काटना कितना है। जैसे जितना बड़ा कुशन है ना, उसे एक एक इंच एक्स्ट्रा काटना है। तो एक तरफ से तो वो पलटेगा, तो इसलिए उस तरफ से तो नहीं, लेकिन बाकी साइड से आप एक एक इंच इसको छोड़ के और फिर काट लीजिए। तो कुछ इस तरीके से एक एक इंच करके मैंने चारों तरफ से काट लिया। तो ऊपर जैसे बैठ के ये नहीं काटा जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा नीचे उतर गई बेड से, और फिर मैं इसको काट के आपको दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से आप काट लीजिए चारों तरफ से। ये आसान होता है, वैसे आप नाप के भी बना सकते हैं, जितना बड़ा कुशन है उतना आप नाप ले और बराबर से कपड़े को उसके हिसाब से एक एक इंच एक्स्ट्रा छोड़ के बाकी आप कट कर दें, क्योंकि सिलाई में जो जाएगा ना वो एक इंच जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाता है, हाफ हाफ इंच की सिलाई होती है, पर ये थोड़ा सा सिंथेटिक है तो एक्स्ट्रा ही मान के चलते हैं। तो मैंने चारों तरफ से इसको काट दिया, बल्कि तीन तरफ से काटा, एक तरफ से तो मुड़ ही जाएगा, तो इसलिए उस तरफ से मुझे काटने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने काट लिया, और ये चारों तरफ से अब इसे हमें सिलना है। तो चलिए अब सिलाई मशीन पर चलते हैं और सिलाई मशीन पे इसको सिलाई करते हैं।
यहाँ पे मशीन मेरा जो है वो उषा का ऑटोमेटिक मशीन है, आप लोगों को मैंने पहले भी एक वीडियो बना के दिखाई थी, और अगर आप लोग कहेंगे इसमें और भी कुछ बताना है तो मैं ज़रूर बता दूंगी, मुझे अच्छा लगेगा बताते हुए। कमेंट कीजिएगा तो मैं बताऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहेगा तभी मैं बता सकती हूँ, एक दो कमेंट के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो चलिए, ये उषा की जो सिलाई मशीन है वो हमारी इलेक्ट्रिक मशीन है, और ये जब लाइट होती है तभी ये चलता है, बिना लाइट के नहीं चलेगा, इसलिए इसमें थोड़ी सी रोशनी भी दिख रही होगी आपको, मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा पहले जाके। तो इसको हम तीनों तरफ से सिलेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से, ये बहुत स्पीड में चलती है, काफ़ी अच्छी स्मूथ होती है और बहुत अच्छे से सिलाई हो जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी दिनों से सिलाई वगैरह का काम छोड़ चुकी थी, मुझे लगता था कि मैं थोड़े दिनों के बाद करूँगी, पर आप लोगों का काफ़ी ऐसे हो रहा था कि स्टिचिंग की ही वीडियो बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं स्टिचिंग की ही वीडियो बना देती हूँ, और अब शायद मैं कुछ दिनों तक स्टिचिंग की ही वीडियो बनाती रहूँगी। ये तीन तरफ से मैंने सिल लिया, और आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी, और एक कोना पकड़ के हाथ आप अपना उसके अंदर डालिए और कोना पकड़ के उसको उल्टी तरफ से कर दीजिए, मतलब सीधा कर दीजिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये सीधा हो गया, मतलब इतनी जल्दी ये बन जाएगा ना, अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो, नहीं भी है तो आप सुई धागे से भी कुछ इस तरीके से एक कवर की तरह इसको सिल सकते हैं, और थोड़ी सी जगह मैंने खुली छोड़ दी है जिससे मैं कॉटन भरूँगी उसके अंदर। तो चलिए, यहाँ पे अब ये रुई को मैंने फिर से एक बार थोड़ा सा और खोल देती हूँ, जिससे कि बिल्कुल मुझे ये नहीं रहे कि बाद में चल के इसमें गांठ बन गई या कुछ ऐसे हुआ, इसलिए खूब अच्छे से इसको हम एकदम खोल देते हैं। और देखिए काफ़ी, मतलब बहुत मुलायम होता है ये वाली जो रुई होती है ना, काफ़ी मुलायम होती है, बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब बाज़ार के जो आप कुशन लेते हैं ना उससे ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा ये, और इसको कुछ करना भी नहीं है, आप जब भी आपको कुछ साफ़ ऑफ करना हो कवर को या कुछ भी, आप डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में या डायरेक्ट बाल्टी में थोड़ा सा सर्फ डालिए और इसको धो लीजिए, कुछ भी इसमें कोई भी गांठ नहीं पड़ेगा। तो चलिए, इसके अंदर मैं हाथ से ही इसको अच्छे से फिल कर देती हूँ, और फिल करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बल्कि अच्छा ही लगता है, जैसे वो सिंथेटिक रुई है ना तो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हाथ में फील होता है। और कुछ इसी तरीके से आप और भी कुशन्स बना सकते हैं, आज मैं आपको सिर्फ एक कुशन बना के दिखा रही हूँ, और यही सही तरीका है कुशन बनाने का, बाकी आपको उल्टे पुल्टे ढंग से जैसे भी आपको दिखाते हो लोग, लेकिन सही ढंग से ये ऐसे ही बनता है कुशन। तो चलिए, इसको अब हमने चारों तरफ से एकदम जो कोना है ना उसमें अच्छे से उंगली से उसको एकदम फिट कर दें, फिल कर दें, जिससे कि वो बिल्कुल ही अंदर की तरफ मुड़े नहीं, और अच्छे से उसको दबा दें। वैसे भी जब आप इस पर लेटने लगेंगे या उसके रखने लगेंगे, साथ में यूज करने लगेंगे, तो अच्छे से अपने आप ही सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं सुई धागा ले रही हूँ, और सुई धागा से जो थोड़ी सी जगह हमने खोल के रखी है, ये देखिए, ये मेरा थोड़ा सा लग रहा है मुझे और कॉटन जाएगा, तो मैं पहले थोड़ा सा और कॉटन भर देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हल्का सा ये कम है। तो चलिए, इसको मैं और थोड़ा सा रुई को फिर से थोड़ा सा खोल के और फिर उसके अंदर भर देती हूँ, अब ये सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो गया था, काफ़ी सॉफ्ट हो गया था तो कम लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने फिर सारा ही भर दिया। तो इसमें तकरीबन मैंने 250 ग्राम से ऊपर ही भरा है, मैं एग्जैक्ट आपको वेट नहीं बता रही हूँ, मुझे देख के वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले इसको मंगवाई थी और फिर रख दिया था, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कितना मंगवाया था, और जो भी कॉटन मंगवाया था उसमें से थोड़ा सा छोड़ के मैंने सारा का सारा इसके अंदर भर दिया है, और सुई से इस जो खुला हुआ मैंने जगह छोड़ा था उसको मैंने कुछ इस तरीके से कपड़ा को अंदर से मोड़ के और उसके बाद उसको सिल दिया। मैं कई बार आपको उलट पलट के दिखा रही हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि नहीं समझ पाए, कपड़े को थोड़ा सा अंदर से फोल्ड करना है और फिर उसको सिल देना है, और बस धागे को काट के और अच्छे से इसको हाथ से दबा दीजिए, जिससे कि ये चारों तरफ से सही से बैठ जाए, और बैठ तो ये वैसे भी जाएगा, अभी फ़िलहाल के लिए इतना हम कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये इसको नहीं भी कवर लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा, मेरे बच्चे बोल रहे हैं मम्मी ये तो 10 मिनट में बन गया है ना, मम्मी टैलेंटेड है। चलिए, मैं हम दूसरा बनाते हैं, और दूसरी जो मैं बना रही हूँ उसी कपड़े से फिर मैं छोटा सा पिलो बना रही हूँ, छोटा सा मैं यहाँ पर ले रही हूँ 8 इंच की चौड़ाई, और लंबाई लूँगी 16 इंच। तो मैं पहले ही बता दूँ, 8 इंच इसलिए ले रही हूँ कि सही लग रहा है मुझे 8 इंच का, वैसे आप कम भी ले सकते हैं,
और लेकिन मुझे लग रहा है कि 8 इंच लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा काटूंगी सिलाई के लिए, तो 9 इंच जो है ना वो मैं काटूंगी, लेकिन 8x16 का ये तकिया बनेगा। तो चलिए इसको निशान लगा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी फिसलता है ये कपड़ा, तो निशान लगाने से ये होगा कि हमें पता रहेगा कि कहाँ से सिलाई करनी है। वैसे तो जो इसके पिंस होते हैं, जो कपड़े में ऐसे आप टिपा करके लगा दें, टिप करके, तो वो टिका रहता है, लेकिन अभी मेरे पास वो है नहीं, तो मैं निशान से ही लगा लेती हूँ। और कुछ इस तरीके से 16 इंच मतलब 16 इंच मैंने लंबाई रखी है और 9 इंच मैंने चौड़ाई रखी है, जिससे कि 1 इंच में सिलाई में जाएगा तो 8 इंच बच जाएगा। तो अच्छे से इसके ऊपर मैंने मार्कर से मार्क कर दिया और फिर इसको कट कर दिया। तो ये ज़्यादा झंझट का काम है नहीं, फटाफट बन जाएगा। तो दोपहर के टाइम अगर आपको नहीं मन लग रहा हो और सिलाई कढ़ाई आती हो तो ज़रूर ये देख के बनाइए, अच्छा लगेगा आपको भी और दोपहर का समय भी कटेगा। वैसे भी आजकल घर पे ही सब लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा आप ये सब चीज़ करेंगे तो मन लगा रहेगा। चलिए इसको बनाते हैं। और अपने हाथ की जो बनी हुई कोई चीज़ होती है उसकी तो खुशी कुछ अलग ही लेवल की होती है। तो आज भी मैं बहुत दिनों के बाद मैं स्टिचिंग पे बैठी हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था बीच में बनाने का, और काफ़ी सारे घर में भी सब बोल रहे थे और बाहर से भी मुझे एक वीडियो पे बहुत कमेंट आ रहा था, जो मैंने पर्दे बनाए थे कि मैम स्टिचिंग की वीडियो डालिए, आप लोग भी वो वाला वीडियो जा कर के देखिए। पर्दे बनाए थे, उसके बाद ही मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे, तो आप लोग वो जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी वीडियो की बात कर रही हूँ। और चलिए इसको मैंने सब तरफ से सिल दिया, चारों तरफ से तो सिलना ही है, और थोड़ी सी जगह इसमें भी छोड़ देनी है जिससे कि हम फिर रुई इसके अंदर भर सकें। तो ये हो गया, इसको भी सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद फिर मैं उसी जो हमने कपड़ा एक बिछा रखा है टेबल क्लॉथ, उसके ऊपर ही इसको रख के, क्योंकि कॉटन ना चिपकेगा चादर में, इसलिए मैंने ऊपर से एक कपड़ा और बिछा लिया जिससे कि चादर ख़राब नहीं हो। और कुछ इस तरीके से इसमें अंदर भर देंगे, फिर जैसे ही हमने कुशन को भराया ना, सेम ऐसे ही इसको भी भर लेंगे। ये थोड़ा सा कैमरा मेरा पीछे चला गया था, अब मैंने फिर से आपको थोड़ा आगे करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो अब जो कॉटन बचा है ना, तो बहुत कम बचा था, तो मैंने सोचा इतने से एक छोटा सा तकिया ही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता है, तो ये सोफ़ा पर रखने के लिए मैं 2 बनाऊंगी। अभी मैं आपको एक दिखा रही हूँ, एक मैं बाद में बना लूँगी। और मैं जो भी बोलती हूँ या जो भी कहती हूँ वो बिल्कुल ही करती हूँ, तो इसीलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं जो कह रही हूँ शायद ऐसे ही कह रही हूँ, लेकिन मैं एक और बाद में बनाऊँगी, एक अभी आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो चलिए इसके अंदर मैं कॉटन जो बचा हुआ थोड़ा सा कॉटन है, ज़्यादा कॉटन नहीं है, ये इतना सख्त भी मैं नहीं बनेगा, थोड़ा लूज ही बनेगा, तो क्योंकि कॉटन ज़्यादा है नहीं। और अगर यहाँ पर मैंने जो कपड़ा यूज़ किया है कवर के लिए वो नया कपड़ा यूज़ किया है, अगर आपके पास पुरानी भी कोई धोती हो या कोई चुन्नी हो कॉटन की, उन सब का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले जो बनाई थी ना वो मैंने पुरानी ही धोती को काट के बनाया था, आपको दिखाया भी था मैंने। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने भर दिया और अब इसको वही जो थोड़ा सा जो हमने खुला रखा है ना उसको अब हम क्या करेंगे, सिलाई कर देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, छोटा सा तकिया, ये बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी आप बैठेंगे या छोटा सा कोई होता है ना सॉफ्ट चीज़ तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। ये मैं लेके आई हूँ एक लकड़ी का, जो हमारे घर में होता है सब्जी चलाने वाला, चमचा बोलते हैं या पलटा बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप लोग, वो लाई हूँ। और अगर ये आपके पास ये है तो बड़े काम की चीज़ है, इससे क्या होगा कि आप लंबाई में जो हमें रुई को फिट करना है ना कोने में, वो इससे बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो हाउसवाइफ हैं और आपके पास अगर ये है तो ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है, चाहे तो आप स्टील वाले का भी यूज कर सकते हैं या कुछ इस तरीके के जो पलटा होते हैं लकड़ी के, वो तो सबके पास आजकल होते ही हैं, तो उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए देखिए ये बिल्कुल ही तकिया बन गया। इसी तरीके से आप बड़ा तकिया भी बना सकते हैं, अभी तो मैं बहुत छोटा सा बना रही हूँ, ये मैं सोफ़े पर रखने के लिए बना रही हूँ, और जो छेद हमने थोड़ा सा खुला रखा था उसमें भी ऐसे ही कपड़े को हल्का सा अंदर टर्न करके मोड़ के और ऊपर से सिलाई कर देंगे। नॉर्मल सिलाई करनी है, बड़े टाके वाली, छोटी सिलाई नहीं करनी, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी आपको मान लो खोलना हो या कुछ करना हो तो आसानी से वो खुल जाएगा। और बस सिलाई करके और धागा को अच्छे से बांध दें और उसके बाद कट कर दें धागे को। धागे को अच्छे से ज़रूर बांध दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि धागा खुल जाएगा तो अंदर से कॉटन निकलने लग जाएगा। ये बिल्कुल रेडीमेड तकिया की तरह मैंने बना के आपको दिखाया है,
आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसको आप इसी तरीके से बना लें। अमेजोन वगैरह से आसानी से मिल जाते हैं कॉटन, अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा और मंगवा सकते हैं। अब चलिए असली चीज़ मैं दिखा रही हूँ कि ये कॉटन का शर्ट है, जो पुरानी शर्ट है। और हम शर्ट को अक्सर हाँ चाहे तो किसी को दे देते हैं या फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है बेड के अंदर, ये हर घर की कहानी है। तो ऐसे अगर आपके पास शर्ट हो तो आज एकदम न्यू लुक में, बिल्कुल फैशनेबल लुक में, ये बड़े बड़े घरों में आप देखेंगे कि कुछ इस तरह के कुशन कवर होते हैं जो कि लोग काफ़ी महंगे खरीद के लाते हैं, क्योंकि काफ़ी यूनिक होते हैं, नेचुरल होता है और एकदम ऐसे लगता है जो एथेनिक सा है। इस शर्ट को हम क्या करेंगे, कॉटन की शर्ट है और वाइट बेस में है तो इसलिए थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो वैसे तो कलरफुल भी हो तो आप कर सकते हैं सिंथेटिक और भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉटन का ही लिया है क्योंकि हमारे घर में सबको कॉटन बहुत पसंद होता है तो मैंने कॉटन का लिया है। अच्छा इसको काट लेते हैं पहले, क्योंकि ये जो जहाँ से मैं काट रही हूँ ना, बाजू का जो होता है ना नीचे से पार्ट, बिल्कुल वहीं से हमें काटना है। यानी तो आप समझ लीजिए जैसे तकिया को रखा हमने ऊपर और उतना नाप लीजिए, बस उतना ही है ये, तो उतना हम काट लेंगे। जो चेस्ट से नीचे तक का होता है ना शोल्डर, जहाँ से कटता है वहीं से इसको हम कट करके अलग कर देंगे इस शर्ट को। तो ये देखिए आप इसका भी कुछ बना सकते हैं, हो सकता है मैं इसका भी कुछ बना के आपको दिखा दूँ, फिलहाल मैं बस अभी इसको बना के दिखा रही हूँ। पॉकेट रह गया, पॉकेट रहेगा तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बहुत आसानी से बन जाता है। मैं कह रही हूँ कि आप इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करेंगे ना तो आपका चीज़ भी यूज हो जाएगा, मतलब पुरानी चीज़ें भी यूज हो जाएंगी और सुंदर भी लगेगा और आसानी भी होती है। तो चलिए इसको, ये शर्ट जो है ना नीचे से थोड़ी सी ऐसे गोल राउंड राउंड कट होती है ना, तो इसको पहले हम सीधा सीधा काट लेंगे क्योंकि ये फिर राउंड में तो हम बना नहीं सकते, तो इसलिए इसको पहले राउंड सीधा कर लेंगे। तो सीधा कट करने के लिए मैं अंदाजा नहीं इसको कट कर रही हूँ, जिससे वो वाइट लाइन है ना तो सफ़ेद वाली जो लाइन है उससे नीचे थोड़ा सा मैंने लेके और फिर इसको काट दिया। वो अंदाजा नहीं मैंने काटा, कोई नापा नहीं है। आप भी ऐसे चाहे तो, आपको नहीं हो तो आप थोड़ा नाप के निशान लगा लें और फिर उसको काट दें। तो कुछ इस तरीके से पहले इसको मैंने सीधा कर लिया जिससे कि वो टेढ़ा ना सिलाई दे। तो ये कट चुका है और अब ये हो गया सीधा, ये देखिए। अब ये क्या है, इसकी चौड़ाई थोड़ी अभी ज़्यादा है तो हम पहले देख लेंगे कि ये कितना है। पहले चलते हैं सिलाई मशीन के पास और इसको एक तरफ से सिल के उसके बाद देखते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। और ये जो शर्ट का जैसे ये बटन की साइड है ना, वो उसको हम एक दूसरे के ऊपर जैसे बटन लगता है सेम वैसे ही उसको सिलेंगे, उसमें उसको ऊपर नीचे नहीं करना नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। सेम जैसे बटन लगता है उसी तरीके से उसको सेट करके ही सिल देना। चलिए एक तरफ से सिल दिया और एक बार हम नाप लेंगे कि ये है कितना चौड़ाई। पहले इसको हम सिल करके हटाते हैं पहले। तो इसकी चौड़ाई मुझे थोड़ी अभी ज़्यादा लग रही है तो पहले हम कुशन ले लेते हैं और कुशन से नाप के देख लेते हैं कि जो कितनी चौड़ाई है इसकी। तो ये देखिए इतनी चौड़ाई है इसकी, काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है, ये देखिए। तो एक साइड आगे रखेंगे एक साइड पीछे रखेंगे तो इतनी ज़्यादा इसकी जो है ना एक्स्ट्रा हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको चाहे तो कट कर दूँ या फिर नाप के सिलाई कर दूँ, बाद में देखेंगे। अगर कट करना होगा या ऐसे होता है कि कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं कट नहीं करूँगी यहाँ पे, इसको मैं सिलाई कर दूँगी, लेकिन हाफ हाफ बराबर बराबर नाप लेंगे। ये 16 इंच हमारा हो रहा है कुशन का जो लंबाई चौड़ाई है वो। तो ये देखिए मैं क्या करूँगी कि हाफ इधर से 8 इंच लूँगी और हाफ दूसरी साइड से 8 इंच लूँगी। ये कैमरे में दिख नहीं रहा है, मैं आपको थोड़ा सा खिसका के दिखाती हूँ। ये देखिए ये 8 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे उस सिलाई के लिए, सिलाई के टाइम मैं अपने आप ही ले लूँगी, पर यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी 8 इंच करके और फिर इसको सिलाई कर देनी है, क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा हो रहा था, काफ़ी चौड़ा हो रहा था तो वो अच्छा नहीं लगता, लूज हो जाता, क्योंकि जितना बड़ा आपका पीलो है उतना ही बड़ा अगर रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिटिंग अच्छी आती है उसकी। और ये मैंने चारों तरफ से निशान लगा दिए और चलिए अब इसको हम सिलाई करते हैं।
तो कुछ इसी तरीके से आप भी आइडियाज़ लगाइए, अगर आपके पास आइडिया हो तो आप मुझे दे सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और मुझे बता सकते हैं कि मैम आप ऐसे भी बना सकते हो तो मैं भी ट्राई करूँगी कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं अभी आपको ये फ़िलहाल बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने फिर सिलाई कर दी। अब ये चारों तरफ से सिलाई जाएगा इसका इस पर, क्योंकि हमें कहीं से भी ओपन नहीं रखना है इसको। उसका कारण आप जान सकते हैं, क्योंकि बीच में हमारे जो शर्ट का बटन है वो हमारा सबसे बड़ा काम का चीज़ है। तो यहाँ पर हमने चारों तरफ से इसको सिलाई मार दी। चाहे तो एक्स्ट्रा कपड़ा आप कट कर दें या फिर वैसे ही अंदर रहने दें, अंदर भी रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉटन है अपना अच्छे से रहेगा, सेट हो जाएगा बल्कि। तो चलिए ये हमने चारों तरफ से सिलाई कर दी। अब इसमें जो बटन है उसको मैंने बंद कर दिया था, उसको खोल रही हूँ, और खोलने के बाद इसके अंदर अब कुशन को हम फिट कर देंगे। तो ये देखिए ये बटन है ना, इसको हम खोल लेंगे और जो हमने सिलाई की है उसको पलट देंगे। तो हमने उल्टी साइड से सारी की सारी सिलाई की है, ये आप याद रखना। बटन ऊपर आना चाहिए, अगर आपको बटन नीचे रखना है तो फिर आप दूसरी तरफ से आप सिल सकते हैं, दोनों तरीका चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि बटन अगर अंदर रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। मैं शो के लिए बना रही हूँ तो बटन को ऊपर ही रखा है, लोग वैसे भी ऊपर से बटन लगा देते हैं, इसमें तो लगा ही हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए कितना शानदार सा कुशन कवर और कुशन दोनों ही बन गया। और इसको जब भी धोना हो एक बटन आप खोलिए, दो बटन और निकाल के बस इसको सिल दीजिए, धो दीजिए सॉरी, और बस ये तैयार हो गया हमारा कुशन कवर भी और कुशन भी। कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इतना सुंदर लग रहा है ना। ये वाले जो बनाए हैं इसको आप कोई शेप में भी बना सकते हैं, जैसे आप गोल बना दें, ये तो मैंने सिर्फ चौड़ाई में बनाया है, और चाहे तो इसको गोल बना लें या जैसे हर्ट के शेप में होता है वैसे बना लें। मैं बना के आपको दिखा दूंगी कैसे बनाना है। आज तो मैंने बस इतना ही बनाया क्योंकि थोड़े से कॉटन बच रहे थे उसमें, और पुराने कॉटन को कैसे हम फिर से यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं तकिए के अंदर तकिया बनाने में, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यही लास्ट करते हैं। आई होप कि ये पसंद आने वाली है, तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।